Bismillahirrahmanirrahim. So, when we are going to think of Allah subhanahu wa ta'ala as the only one true God, then our lives are going to become easy. Tab hamari zindagiyan asaan ho jayengi. Phir jab hum apne Rasool sallallahu alaihi wasallam ki sunnat ko pakdenge, to hamara dil kalbe saleem hoga. Wo dil jo Allah ko acha lagta hai. Kyunki wo sari cheezein jo Allah subhanahu wa ta'ala ki pasand ki hai, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में मिलती है। और फिर जब हमारे दिल में शदीद ख्वाहिश हो, लोग कहें, यू नो, यू लुक सो ओल्ड व्हेन यू आर वेयरिंग अ हिजाब, माय गॉड, यू वोंट बी एबल टू गेट मैरिड, पीपल आर नॉट गोइंग टू लुक एट यू और गिव यू एनी इम्पोर्टेंस, देन वी आर गोइंग टू से नो, यू नो, आई एम जस्ट गोना लिसन टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड आई विल सी व्हाट हैपेंस। और यकीन करें कि जब आप अल्लाह की बात मानते हैं तो आपकी जिंदगी में इतनी कोई खूबसूरतियां और इतनी रिलैक्सेशन और इतनी सुकून आ जाता है। लेकिन जब हम दो दलीलें पड़े होते हैं ना, ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई, ना दुनिया की पूरी बात मानते हैं ना अल्लाह की पूरी बात मानते हैं, और बहुत खराब होते हैं। सो मुस्लिम वो होता है जो टोटल सबमिशन देता है। आप पूरा एक घर में एंटर हो ही नहीं रहे and you are expecting protection and enjoyment and food. मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए, अगर कोई मेहमान आता है ना और वो एक दरवाजे के अंदर पैर रखा होता है और एक बाहर, तो बाहर बारिश शुरू हो जाए, आप ना अपने आपको बारिश से बचा सकते हैं, ना घर के अंदर आते हैं कि आपकी खातिर की जाए, आपको कुछ खिलाया पिलाया जाए, ना आपको पूरी प्रोटेक्शन मिलती है। आप आधे जिस्म आपका बाहर है, आपका आधा अंदर है, तो कैसे आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है? बिल्कुल हमारा ये हाल है कि हम ना तो पूरे इस्लाम में हैं और ना पूरे दुनिया में। आधी आधी शैतान की बातें मानते हैं, आधी आधी अल्लाह सुब्हान व तआला की बातें मानते हैं, और बहुत ही अपने आप को खराब करते हैं। सो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह, जब हम अपने दिल की ख्वाहिश को अल्लाह के ताबे कर देंगे ना, व्हेन सम डिजायर्स कम इन आवर हार्ट, आई एम जस्ट गोना चेक, मैं चेक करूंगी क्या ये ख्वाहिश अल्लाह के हुक्म के ताबे है। What is my Rabb saying about it? If he says it's okay, alhamdulillah. If he says this is dangerous for me, this is harmful, I'm not going to listen to my heart. I'm not going to listen to my society. I'm not going to listen to social media. I'm just going to listen to Allah subhanahu wa ta'ala. Ek hi mera Rabb hai. Maine bahut sare Rabb nahi banane, kyunki wo meri zindagi ko bechain kar denge. और फिर अगर आपको अच्छा दिल चाहिए जो आपको सुकून दे, कहीं पर भी आप हो ना और आपको सुकून दे, तो आपने अल्लाह का जिक्र अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईनुल कुलूब, अगर कल्बे सलीम चाहिए, अगर आपने आगे कोई काम करना है, तो यू नीड टू नो हाउ टू फिक्स योर हार्ट, एंड द बेस्ट थिंग टू डू फॉर योर हार्ट इज टू डू द जिक्र ऑफ अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को कहती हूँ, मैं कहती हूँ, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, गाड़ी में बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, कोई बात नहीं हो रही, कोई गेम भी खेल रहे हो, तो भी सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर अपनी जुबान से पढ़ते रहो। तो अल्लाह ताला आपको एक ऐसा दिल दे देता है, अगर आपकी जुबान जिक्र करती रहती है, ऐसा दिल दे देता है जो मुनाफकत से पाक होता है। You would be focused soon. और फिर अगर आप अच्छा दिल चाहते हैं, तो आपके दिल के अंदर अल्लाह के लिए खुलूस जरूर होना चाहिए, एंड यू नीड टू लीव द फीलिंग ऑफ शोइंग ऑफ कि मैंने शो ऑफ कुछ करना है। ये सारी बातें सुनते हुए ये देखें कि दुनिया में जब आप रह रहे हैं ना, आप समझते हैं मेरी बहुत सारी जरूरतें हैं, इट इज लाइक अ ड्रॉप। But as soon as we are going to die, the other world or uski zaruriyat are like a sea, like an ocean. Itni zyada udhar cheeze humko zarurat hongi aur wo is duniya mein humne collect karni hai. But you know what? We are more focused on our body than our soul. Hum apne dil ki bare mein, apni rooh ke bare mein bilkul fikr nahi karte, लेकिन अपने जिस्म की बहुत फिक्र करते हैं। आप सोचें सुबह से रात तक क्या हो रहा होता है, सारी जिस्म की हो रही होती है ना खिदमत, खाना खाना है, मेकअप करना है, कपड़े कौन से पहनने हैं,
ये सब क्या है, किस चीज की फिक्र हो रही है? बदन की फिक्र हो रही है ना, जिस्म की फिक्र हो रही है. व्हाट अबाउट आवर सोल? उसको कितना गंदा रखा हुआ है, उसको कितना वीक किया हुआ है, उसको क्या खाना नहीं मिल रहा, वो बीमार है, उसकी कोई दवाई नहीं की हुई, क्या बनेगा उसका? तो जैसे आप जिस्म को खाना खिलाते हैं ना, ऐसे ही आपकी रूह का भी खाना होता है, आपके दिल का भी खाना होता है. जिससे दिल स्ट्रांग होता है उसको न्यूट्रिशन मिलती है. और वो क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले अल्लाह को अगर आप जानने का इल्म लेने शुरू कर देते हैं ना कि आई वॉन्ट टू नो हु इज माई रब, तो फिर वो नॉलेज जो होती है ना, वो फूड है, फूड फॉर योर हार्ट. एंड इट गिव्स योर हार्ट स्ट्रेंथ. कि आपको पता चल जाता है कि यू नो, कोई भी जिंदगी में मुश्किल आई, आई डोंट इवन केयर, माई रब इज विद मी. जब तक मेरी मौत का वक्त नहीं आता, मैंने मरना कोई नहीं, तो जब मैं जिंदा हूं, मैं रोज रोज क्यों मरूं? मेरा रब मेरे साथ है. अल्लाह के नामों को जाने, अल्लाह ताला के कामों को जाने, तो आपको आपका दिल इतना सुकून में हो जाता है. यकीन करें, जब कुरान नहीं ना पढ़ा हुआ था, तो कि पूरा दिन जाया हो जाए, किसी ने कोई छोटी सी बात कह दी, पूरा दिन सोच जाया, दिन जाया, अबिलिटी जाया, टाइम जाया, वो दिन मेरी जिंदगी में से निकल गया, मैं एक दिन और मौत के करीब हो गई, एंड आई टोटली वेस्टेड. लेकिन जब कुरान पढ़ना, अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, जब आपने कुरान पढ़ लिया, अल्लाह के बारे में जान लिया, तो फिर यू डोंट इवन केयर अबाउट दीज थिंग्स. ये चीजें बहुत ही माइनर हो जाती हैं आपकी जिंदगी में, और आपका फोकस बहुत बड़ी चीजों पर हो जाता है. फिर ये कि अगर आपने अपने दिल को खाना खिलाना है, अपने कल्बे सलीम को, तो फिर आपको अल्लाह के कलाम को सुनना और पढ़ना पड़ेगा, अल्लाह की नीतों और अल्लाह के एहसानों के बारे में सोचना होगा. तो आपका दिल जो है ना, वो ताकत पकड़ जाता है. अल्लाह आपने मुझे ये भी दिया हुआ है, अल्लाह सुभान व तआला आपने मुझे ये भी एबिलिटी दी हुई है, किसी और के पास तो नहीं है. जब आप सोचते हैं तो फिर क्या होता है, आपका दिल मजबूत हो जाता है. काइंडली म्यूट योर अजाने किस वक्त की हो रही है? शाम की अजान हो रही है. I'm really sorry, क्योंकि हमारा तो इधर इशराक के बाद का टाइम है ना. आपके अगर नमाज का टाइम हुआ तो फिर इंशाल्लाह आप चले जाइएगा, तो रिकॉर्ड हो जाएगा जो कुछ भी होगा, और फिर आप उसको सुन लीजिएगा. ये कि अगर आपने अपने दिल को खाना खिलाना और न्यूट्रिशन देनी है, तो फिर अल्लाह ताला के वादों को जाने, जन्नत के बारे में सोचें, बागात महल अल्लाह ताला को देखने का ख्याल आपके दिल को न्यूट्रिशन देता है, आपके दिल को तकवीयत देता है, आपका दिल मजबूत हो जाता है. और फिर ये भी सोचें कि अगर कोई गलत काम किया तो अल्लाह सुबहान तआला की तरफ से क्या सजा मिल सकती है, उसकी वजह से भी आपके दिल को ताकत मिलेगी. कैन यू म्यूट एवरीवन एंड जस्ट लीव माय माइक, हूएवर इज ऑर्गेनाइजिंग? तो फिर ऐसा होगा कि फिर मुझे आराम से मैं बात कर सकती हूँ. इना जज़ाकुल्लाह खैर. अच्छा, जिस तरह जिस्म बीमार होता है ना, इसी तरह दिल भी बीमार होता है. और जिस तरह जिस्म को एनर्जी चाहिए होती है, जैसे हम जिस्म के लिए क्या करते हैं, अगर खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी. और दूसरा काम क्या करना होता है, अपने जिस्म को नुकसान से बचाना होता है, वरना हमारा जिस्म सही काम नहीं करेगा. और फिर जो पॉइजन्स हम टॉक्सिन्स बन रहे होते हैं जिस्म के अंदर, उनको निकालना होता है. बिल्कुल यही प्रोसीजर आपके दिल का भी है. आपने दिल को वो चीजें देनी है जो उसको स्ट्रांग करती हैं, उसके खाने का बंदोबस्त करना है, उसको अच्छी सोहबत देनी है, कुरान सुनना है, कंस्ट्रक्टिव सोचे रखनी है, फिर अपने दिल को नुकसानदेह चीजों से भी बचाना है. बिल्कुल जैसे आप अपने जिस्म को नुकसानदेह चीजों से बचाते हैं ना, वैसे ही आपने अपने दिल को भी नुकसानदेह चीजों से बचाना है. कि शक और शुबे, गंदी चीजों को देखना, गंदी चीजों को सुनना, टू मच सोशलाइजेशन ऑल्सो हार्म्स द हार्ट.
बहुत ज्यादा हर वक्त ही लोगों के बीच में होना, अगर लोगों के बीच में नहीं है तो फिर फोरम्स के ऊपर होना, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, तो ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें हो जाती हैं जो बर्डन कर देती हैं आपके हार्ट को। तो आपने ये नुकसानदेह चीजें हो जाती हैं उनसे भी बचना है। और फिर अगर दिल के अंदर कोई टॉक्सिन्स पैदा हो गए हैं, कोई बुरी चीजें, जैसे हसद हो गया है, नफरत हो गई है किसी से, बोग्ज हो गया है, किसी पे गुस्सा आ गया है, तकबर पैदा हो गया है, ये सब चीजें हमको निकालनी भी होंगी। ये एक ही टाइम पे मल्टीटास्किंग हो रही होती है अगर दिल को आपने साउंड रखना है तो। अब आप देखें, आप कहेंगे हम किधर जाएं, फिर बाहर जाते हैं तो सोहबत खराब, घर में रहते हैं तो टीवी ड्रामे चल रहे हैं, अकेले होते हैं तो टेलीफोन हमारे साथ होता है और सोहबत हमारी कोई ऐसी अच्छी नहीं। कहां से लाएं वो लोग जो अल्लाह की बातें करने वाले हों? मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट रिलीजन और इस तरह की बातें। तो फिर एक मोमिन जो होता है ना, वो महफिलों में जाना नहीं छोड़ता, जाता है इस नियत के साथ कि अल्लाह एक भी बात मैंने मेरे मुंह से निकल गई और मैंने इनको अच्छी बात बता दी तो वो बीज की तरह उनके दिल के अंदर चली जाएगी और उस बीज को दरख्त आपने बनाना है अल्लाह ताला। हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अच्छी नियत करें और लोगों को अच्छी बात बता के और साइड पर हो जाएं। एंड मोस्ट ऑफ द टॉक इन आवर गैदरिंग्स माइट बी यूजलेस, सो व्हाट इज गोइंग टू बी योर पोजीशन इन दैट गैदरिंग? कि आप क्या करेंगे उस मजलिस में जब आप गए और आपको पता है बहुत उल्टी पुल्टी बातें होंगी, बहुत अजीब वगरीब, मतलब फजूल बातें करेंगे, मैं क्या करूं? तो फिकुल कुलूब में इतनी प्यारी बात उन्होंने कही है, तो फिर वो वहां बैठा तो होगा जिस्म के तौर पर, यानी कुछ अपनी होगी, उसका दिल अल्लाह का जिक्र ही कर रहा होगा, वो लोगों के पास होगा लेकिन असल में लोगों से दूर होगा। वो सुन तो रहा होगा लेकिन उसको अपने दिल के अंदर नहीं लेगा, यानी हियर कर रहा होगा लेकिन लिसन नहीं करेगा उनकी बातों को, ठीक है ना? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं कर सकते कि हम सबको अबैंडन कर दें और एक कमरे में बैठ जाएं और अपने आप को तोड़ ताड़ के रख लें। नहीं, वी नीड टू बी इन दोज प्लेसेस, वी नीड टू गो एंड टॉक टू पीपल एंड वी shouldn't be scared. If you are working on your heart, if you are working on your heart, और ये तीन चीजें आप कर रहे हैं, अपनी अपना खाना दे रहे हैं, कुरान का, इल्म का, जिक्र का, ये खाना खिला रहे हैं अपने दिल को, नुकसानदेह चीजों से बच रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं देख रही जो आपके दिल को करप्ट कर दे, यकीन करें इस वक्त कोई चीज, ये जो प्रोग्राम्स, जो को खैर नहीं रहेगी। और अगर कोई भी ऐसी चीज आपको आप देखते हैं जो आपकी आंखों को गंदा करती है, आपके दिमाग को, तो वो सीधा, या आप सुनते हैं ऐसी कोई बात, वो सीधा दिल पे असर करती है। सो अगर आप नुकसानदेह चीजों से बचा रहे हैं और जो गंद बला आपके दिल में पड़ता है, जैसे आप घर को रोज साफ करते हो ना, ऐसा तो नहीं कि आपका घर एक दफा सफाई हो गया तो आपने कहा बस अब हमारा घर हमेशा के लिए, वो जो नहीं कहते हैप्पी एवर आफ्टर, वैसा तो नहीं होता। आप रोज अपना घर साफ करते हैं, होते हैं, ऐसा होता है ना, तो फिर दिल की सफाई भी रोज होती है मेरी प्यारी बहनों। यू कैंट स्टे इनडिफरेंट के चलो जी दिल की एक दफा सफाई कर दी तो अब ये साफ ही रहेगा, नहीं, इसकी सफाई भी रोज होनी है। रोज देखें किसी का बारे में मेरे दिल में गुस्सा तो नहीं है, मुझे किससे नफरत है, ये गंद मैं उठा के कहां कहां जाऊंगी, अगर मेरी मौत का वक्त आ गया तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू विद दिस, दिस इज नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर मी। सो रोज चेक करें कि किसी के खिलाफ गुस्सा तो नहीं है, हसद तो नहीं है, बोक्स तो नहीं है, नफरत तो नहीं है, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट हार्म योर हार्ट, वो उसको साउंड नहीं रहने देती। फिर हम कल्बे सलीम लेकर अल्लाह के पास नहीं पहुंचेंगे अगर ये सारी चीजें अंदर होंगी तो। और अगर हमने दूसरों को बेनिफिट करना है तो हमारे दिल के अंदर ही अगर ये होगा तो फिर हमारी पर्सनालिटी साउंड नहीं होगी, फिर हम वो काम सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। और दिल को कौन सी चीजें बहुत शदीद नुकसान पहुंचाती हैं, वो होती है जो जब आप बहुत ज्यादा सोते हैं, जिस्म को बहुत ज्यादा सुलाते हैं ना, तो वो दिल पे असर करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी पता चलता है, बहुत ज्यादा खाना
बहुत ज्यादा सोना, बहुत ज्यादा तमन्नाएं, डिजायर्स ऑल द टाइम, ये भी मेरे पास आ जाए और ये भी आ जाए और ये भी मुझे चाहिए, एक चीज आती है तो दूसरी की तमन्ना शुरू हो जाती है. यानी यू आर नॉट फोकस्ड ऑन समथिंग बिग, यू आर लुकिंग एंड यू आर थिंकिंग अबाउट व्हाट यू से चीप स्टफ. तो और मुबाहात में बहुत पड़ना, वो चीजें जिनमें ना सवाब ना गुनाह है, सियासत पर बहस करना, मौसम पे बहस करना, व्हाट व्हाई एम आई गोइंग टू वेस्ट माय वर्ड्स. एक बात कर दी, गर्मी है, बस ठीक है, यहाँ इतनी गर्मी, उधर इतनी गर्मी, इतना टेम्परेचर, क्या फायदा हुआ? ये वर्ड्स लिखे जा रहे हैं और बताए जाएंगे कि इतना टाइम में अगर अगर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया होता तो आसमान और जमीन के दरमियान की जगह फिल हो जाती रिवॉर्ड से, जस्ट वंस, एक दफा कहने से. तो यू नो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बड़ी बड़ी, अब मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, कैन यू प्लीज टेल मी कि कितना मेरे पास टाइम है. बड़े मजे की बात है, एंड उसके साथ ही करेंगे इंशाल्लाह ताला, कि हमारे दिल की बड़ी बड़ी बुराइयां कौन सी हैं जिनको हमने फोकस करना है. अगर हमने उनको सही कर लिया, उनको हैंडल कर लिया, वेल देन वी आर गुड, माशाल्लाह हमारा दिल बहुत अच्छा होगा. और उसमें एक चीज क्या होती है, रियाकारी. अगर दिल के अंदर रियाकारी है, रियाकारी कहते हैं टू शो ऑफ, कोई भी काम किया तो दिल हुआ कि लोग देख लें, लोगों को पता चल जाए, लोग अप्रिशिएट करें, मैं जाऊं तो लोग, यानी लोग उसको कंसिडर करें या उसको रिगार्ड करें, तो ये एक ऐसी चीज होती है मेरी प्यारी बहनों जो पूरे के पूरे अमाल को बर्बाद कर देती है. इट जस्ट टोटली डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग दैट यू हैव डन. कोई भी अच्छे से अच्छा काम किया, लेट्स से आपने किसी को बात बताई अच्छी, उसने नमाजें पढ़नी शुरू कर दी, आपने हर जगह पे बैठ के मेंशन कर रहे हैं, वो मेरी वजह से नमाजें पढ़नी शुरू की हैं, और मैंने बताया था वो नमाज, वो तो चला गया सीधे रास्ते पर, लेकिन आपने अपनी नेकी को बर्बाद कर लिया. ठीक है, तो ये काम नहीं कर सकते आप. अगर आपने अपने दिल को सीधे रास्ते पर रखना है तो ये अपने दिल में से निकाल दें कि मैं लोगों को दिखाने के लिए काम करती हूँ, और लोगों ने देखा है कि नहीं, उनको पता चला है कि नहीं, आपकी नेकी अल्लाह ने देख ली, पूरे हो गया काम. क्यों? क्योंकि जब आप अल्लाह सुबहाना ताला के हवाले करते हैं ना अपनी नेकी को, तो अल्लाह सुबहाना ताला उसको, उसकी परवरिश करते हैं, उसको ग्रो करते हैं. जैसे आप दुनिया में कोई जानवर पालते हैं तो वो बड़ा होता जाता है ना, इसी तरह अल्लाह सुबहाना ताला उस नेकी को ग्रो करते हैं. और ऑन टॉप ऑफ दैट देर आर सो मेनी प्रोमिसेस फ्रॉम अल्लाह सुबहाना ताला. अगर आप अल्लाह की खातिर कोई काम करते हैं और आप अल्लाह ताला के पसंदीदा बन जाते हैं, तो अल्लाह सुबहाना ताला जिब्राइल अलैहि सलाम को बुलाते हैं और ये कहते हैं कि मैं इस बंदे से, अब आप अपना नाम इसमें फिल करें, मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, जिब्राइल आप भी इससे मोहब्बत करो, आप फाइजा हैं, आप समिया हैं, आप सुमैया हैं, आप जो भी आपका नाम है आप फिल करें इधर, अल्लाह ताला आपका नाम लेकर कहते हैं इस बंदे से, ए जिब्राइल मैं मोहब्बत करता हूं, आप भी इससे मोहब्बत करो, सुभान अल्लाह. और जिब्राइल अलैहि सलाम जाते हैं और वो सरदार हैं और जाके सब फरिश्तों को कह देते हैं अल्लाह सुभान अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है, आप भी इस बंदे से मोहब्बत करने लग जाओ. और फरिश्ते जमीन के बीच में ये दो लोगों के अंदर ये बात फैला देते हैं, और लोग उस बंदे की रिस्पेक्ट भी करते हैं और उससे मोहब्बत भी करते हैं, और वो बंदा हैरान होता रहता है, मैंने तो इनसे कोई बातचीत ही नहीं की, मुझे तो इनका पता ही नहीं, ये मेरी इज्जत कैसे कर रहे हैं? वो इसलिए कि आपने शो ऑफ करने के लिए काम नहीं किया था, आपने अल्लाह को राजी करने के लिए काम किया था, तो अल्लाह आपसे राजी हो गया. जब अल्लाह राजी हो जाए तो सारी दुनिया हमारी है, सारी दुनिया हमारी है, सारे लोग हमारे हैं, और जब अल्लाह नहीं है तो फिर कोई भी हमारा नहीं है. हम चाहे सारी दुनिया को राजी करने के लिए अपने आप को मट्टी कर दें, लेकिन आपको एंड ऑफ द स्टोरी ये होगी कि कोई भी आपसे राजी नहीं होगा, और आपका दिल बेचैन होगा, और आप रोएंगे, और आप टूटेंगे, और आप कहेंगे क्यों क्यों लोगों ने ऐसे किया मेरे साथ. तो यू नीड टू फिगर दिस आउट, यू नीड टू नो कि वहां पर रियाकारी थी, सवाब भी गया, आखरत का सवाब भी गया, और दुनिया में कुछ ना मिला, खाली हाथ खाली झोली. We can't do that to ourselves. हमने अपने साथ बेहतरी करनी है. फिर ये
कि तकबुर, ये जरूर आप फिगर आउट करें, क्योंकि जिसके दिल के अंदर एक राई बराबर भी तकबुर होगा वो जन्नत में नहीं जाने वाला। तो तकबुर की कुछ अलामत होती हैं, अगर यू नीड टू नो कि मेरे दिल के अंदर तकबुर है कि नहीं, कैसे मुझे पता चले, मैं तो अपने आप को बहुत हम्बल समझती हूँ, मुझसे ज्यादा हम्बल और स्वीट बंदा तो कोई है नहीं। तो ये देखें कि तकबुर की अलामत क्या होती हैं, कि जब वो झगड़ता है किसी से, ये फिकुल कुलूब में लिखा हुआ है कि जब वो झगड़ता है किसी से तो वो जो चाहे कह दे, लेकिन किसी दूसरे को जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो उसके सामने कुछ कहे। तो इसका मतलब है तकबुर है, बिकॉज यू आर नॉट अलाउइंग अदर्स टू से एनीथिंग, बट व्हेन यू आर एंग्री यू वांट टू से एवरी सिंगल थिंग दैट कम्स इन योर माउथ। और जब कोई उसको नसीहत करता है तो वो अपनी शान के खिलाफ समझता है कि हाउ डेयर यू आर टेलिंग मी समथिंग, हाउ डेयर यू जज मी, आर यू ट्राइंग टू जज मी, तुम कौन होते हो मुझे अच्छी बात बताने वाले, मुझे सब पता है। तो अगर ये है तो इसका मतलब है तकबुर है, कि दूसरा कोई नसीहत कर रहा है तो आप उसको कबूल करने की बजाय उसको ये कह रहे हैं कि हाउ डेयर यू जज मी। आपको पता है रसूलुल्लाह सब ने फरमाया था अद्दीन व नसीहा, दीन तो खैरख्वाही है, नसीहत का मतलब होता है खैरख्वाही अरबी में। जब हम कहते हैं ना मुझे कोई नसीहत ना करे, तो इसका मतलब होता है कि कोई मेरी खैरख्वाही ना करे, डोंट बी अ वेल विशर फॉर मी, आई डोंट नीड यू, इज दैट अ गुड थिंग? नहीं। तो इसका मतलब है जो नसीहत को कबूल नहीं करता वो तकब्बुर का शिकार होता है। अगर वो वाज करता है किसी को तो सख्ती बरतता है, मानते हो कि नहीं, सबने मेरी बात माननी है। वो जब किसी को नसीहत करता है तो बहुत सख्त और बहुत हार्श होता है, लेकिन जब कोई उसके साथ जरा सा हार्श हो जाए तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। देखिए ना, अपने लिए और स्टैंडर्ड और दूसरे के लिए और, तो फिर ये तकब्बुर हुआ ना। और जब वो किसी को कोई चीज सिखा रहा होता है तो बहुत सख्ती बरतता है, नरमी नहीं बरतता, कि इनको ऐसे ही सीधा कर सकते हैं, कोई और तरीका नहीं है, वी नीड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। दैट इज नॉट द बिहेवियर ऑफ अ दाई इल्लल्लाह। जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाले होते हैं वो सख्ती नहीं बरतते, उनमें तकब्बुर नहीं होता। ये तकब्बुर की अलामत है कि जब आप दूसरे को कुछ सिखा रहे हो तो आप समझे कि डंडे के जोर पे ही सिखा सकते हैं और कोई तरीका नहीं चलता। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डंडे का तरीका चलाया था? नहीं। मोहब्बत, मोहब्बत, इज्जत दूसरे को देना, दूसरे के साथ नरमी बरतना। और जब वो, अगर आप किसी के साथ एहसान करते हो तो फिर उसको जलील ख्वार करते हैं, इधर बता उधर बता, तो इसका मतलब है कि तकब्बुर है दिल के अंदर। और अगर ये देखें कि दूसरे किसी की इज्जत हो रही है, एक ही मजलिस में आप भी गए हैं और किसी दूसरे को ज्यादा इज्जत मिल रही है, तो आपको गुस्सा लग जाए, मुझे तो बिठाया नहीं सही जगह पर और उसको बड़ी इज्जतें दे रहे थे, और आपके दिल में ये नफरत आए, ये गुस्सा आए, समझे तकब्बुर है, यू आर नॉट अ हम्बल पर्सन देन। और जब किसी भी मजलिस में जाए बंदा और दिल करे कि मैं स्पॉटलाइट के अंदर हूं, बस लोग मुझे देखें, मेरी बात सुने, तो इसका मतलब है तकब्बुर है। जब खड़ा हो तो दिल करे सभी खड़े हो जाएं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये तकब्बुर बहुत बुरी चीज है, और ये अल्लाह ताला इस चीज को तोड़ता है, दुनिया में भी आखिरत में भी बंदा तोड़ा जाएगा। और जिस चीज पर तकब्बुर हो ना, उस चीज के बारे में सोच लें कि वो मेरे पास रहने वाली नहीं है। अगर शक्ल पे है तो शक्ल अल्लाह ने दी हुई है, ये थोड़े दिनों के बाद जमीन में मट्टी के साथ मट्टी हो जाएगी। दौलत पर है तो दौलत मिनटों में खत्म हो जाती है। लोग इस कदर, बच्चे बता रहे थे कि कोई बंदा, उसको बड़ी रकम उसने ये क्रिप्टो करेंसी में लगाई और उसको नुकसान हुआ, तो ही जस्ट किल्ड हिमसेल्फ, नुकसान हुआ तो अपने आप ही को मार लिया। दौलत तो ऐसे ही झटका लगाती है, अगर दौलत का तकब्बुर हो तो समझना चाहिए कि दौलत अचानक चली जाती है। तो ये सारी चीजें, कोई भी चीज, इल्म, ये जो दिमाग है ना, ये अकल, एक अकल पे भी बहुत लोग तकब्बुर करते हैं, हम बहुत अकलमंद हैं, वी आर रियली स्मार्ट, तो वो कहते हैं कि छोटा सा कोई इन्फेक्शन हो जाए, थोड़ी सी बीमारी पहुंचे,
पूरा का पूरा दिमाग मेस्ड अप हो जाता है लोगों का, पता ही नहीं चलता कि दिमाग को क्या हुआ, होश ही नहीं रहती, खत्म, जिस पे इतना मान किया था। तो तकबर इंसान को बहुत, इंसान समझता है कि शायद तकबर करके वो बड़ा बन जाएगा लोगों के आगे, असल में क्या होता है, बहुत ज्यादा उसकी इज्जत कम हो जाती है, बहुत खराबी पैदा करती है। फिर दूसरी चीज उजुब है, आपको अपने ऊपर बहुत अपने आप को पसंद करना, उजुब का मतलब होता है खुद पसंदी, सेल्फ प्रेज जो नहीं होती कि बस मैं ही अच्छी हूं, मैं ही खूबसूरत हूं, मैं ही समझदार हूं, मुझे ही उठना बैठना आता है, मेरी सारी चीजें सही होती हैं। और उसको जब खुद पसंदी का शिकार हो जाता है ना इंसान, तो वो अपनी खराबी को नहीं देख सकता, अपनी मिस्टेक को कंसिडर नहीं करता, अपनी मिस्टेक को फिक्स ही नहीं कर सकता। जब उसमें एडमिट ही नहीं करता कि मेरे में मिस्टेक है, तो फिर फिक्स क्या करेगा। तो जब आपने दीन का काम करना है ना, तो फिर आपके अंदर ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये ऐसी चीजें हैं जो दिल को गंदा करती हैं। अगर कोई भी आपको कहे ना, आप किसी को अच्छी बात बताने लगे, तो दूसरा कहे, आप अपने आप को तो देखें, तो आपके क्या क्या मेरे अंदर गलती है, आप प्लीज मुझे जरूर इन्फॉर्म करें, जरूर बताइए, आई एम रेडी टू लिसन टू यू बिकॉज आई एम अ हम्बल पर्सन, आई रियली वॉन्ट टू नो वॉट इज रॉन्ग विद मी, फिर मैं अपने आप को फिक्स कर लूंगी। और जब आप ये कहेंगे तो दूसरे को एहसास होगा, हाँ ये अपने आप को हम्बल करती है, ये समझती है कि इसके अंदर भी गलती है, तो दिस इज अ गुड पर्सन, ये अच्छा बंदा है, इसके साथ मैं शेयर कर सकती हूँ कि मेरे अंदर क्या खराबियां हैं, ये मुझे सबके अंदर वो बदनाम नहीं करेगी। तो हम्बल बंदा जो होता है उसका बताने का तरीका फर्क होता है, और एक तकबर वाले एक बंदे के बताने का तरीका फर्क होता है। तो अगर हमने दीन का काम करना है, तो ये सारी चीजें एक एक करके हमने अपने दिल से निकालनी है, और इनके ऊपर सारी जिंदगी काम करते रहना है। तो तकबुर, रियाकारी, उजुब, हसद एक बहुत बुरी चीज है। हसद पता क्या होता है, अगर आपने किसी दूसरे को देखा है कि उसके पास कोई नेमत है, तो आपके दिल में खटका पैदा हो गया, एकदम दिल घट गया। अक्सर और बेशतर मैं कभी जाती हूँ गैदरिंग्स में, तो मैं ये नोटिस करती हूँ कि लोगों के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो किसी दूसरे की तारीफ को सह सकें। अगर किसी की तारीफ, किसी के बच्चों की तारीफ होती है, तो दूसरी औरत कहती है, हाँ मेरे बेटे ने तो इससे भी अच्छे काम किए, मैं मेरे बच्चे तो ये यहाँ जहाँ वॉलंटियर करते हैं और उन्होंने ये पढ़ाई की। होल्ड ऑन, थोड़ी सी दूसरे की तारीफ होने दें, कोई हर्ज नहीं, दूसरे की तारीफ जब हो रही हो तो आप भी शामिल हो जाएं। लेकिन हसद एक और चीज होती है, हसद वो चीज होती है जिसमें आप दूसरे की खुशी को देखकर तकलीफ महसूस करते हैं और दूसरे की नेमत का जवाल चाहते हैं, या ये सोचते हैं अल्लाह ने इसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, ठीक है ना, तो वो हसद हो जाती है। और हसद जो है ना, वो आपकी नेकियों को राख करके रख देती है, बिकॉज इन अ वे यू आर चैलेंजिंग अल्लाह सुबहान तआला डिसीजन। अल्लाह नोज कि किसको क्या देना है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, अल्लाह को मुझे देना चाहिए था, ये उसको क्यों दिया है? तो ये हम नहीं कर सकते, हमें ये पता होना चाहिए कि हर बंदे को वही चीज मिल रही है अल्लाह ताला की हिकमत के मुताबिक, जो उसने मुझे दिया है वो मुझे चाहिए था, और जो उसको दिया है वो उसे चाहिए था। मुझे उसका पीछे क्या उसका वाइज डिसीजन है मुझे नहीं मालूम, हाँ जब मैं किसी की नेमत देख के कहूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकत दे, अल्लाह ताला आपको बरकत दे, और दिल में दुआ मांगे अल्लाह मुझे भी ये नेमत दे, तो बिल फिर ठीक होता है, फिर कोई खराबी नहीं है। लेकिन मोस्टली लोग दिल में हसद महसूस करते हैं, दूसरों की खुशियों को देखकर उदास हो जाते हैं, अपना रोना शुरू कर देते हैं, विच इज रियली डेंजरस। सो अदाई अल्लाह हैज अ बिग हार्ट, जब किसी की तारीफ हो, जब किसी को कोई नेमत मिले, तो उसको फौरन बरकत की दुआ देता है और उसके लिए खुश होता है। अच्छा, लास्ट में क्या है कि
आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो के शेख मोहम्मद शरीफ अल्लाह सुबहान तआला उनको जन्नत अल फिरदौस में जगह दे, वो कहा करते थे कि बी वन ऑफ द बेस्ट पीपल, डोंट ट्राई टू बी द बेस्ट, क्योंकि अगर आप द बेस्ट बनने की कोशिश करोगे तो आप एक ही होगे। बट इफ यू वॉन्ट टू बी वन ऑफ द बेस्ट देन अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू ज्वाइन यू। तो कल्बे सलीम अगर आपने लेना तो उसकी एक खुसूसियत ये होती है कि वो हर सेहतमंद चीज को, हर न्यूट्रिशियस चीज को, हर फायदामंद चीज को कबूल कर लेता है। बिल्कुल जिस तरह सेहतमंद आदमी होता है ना, इंसान होता है, तो उसको अगर अच्छा खाना दें तो वो खाने को डाइजेस्ट कर लेता है, उसको एक्सेप्ट करता है और उसकी न्यूट्रिशन को इंजॉय करता है। लेकिन जब एक बीमार इंसान को वही सेहतमंद खाना दिया जाता है तो क्या होता है, वो और बीमार हो जाता है। तो अपने दिल को सेहतमंद रखें और फिर आप देखेंगे कि हर अच्छी चीज आपको अच्छी लगने लग जाती है। इट्स सो ब्यूटीफुल, योर लाइफ बिकम्स सो ब्यूटीफुल, सो पीसफुल व्हेन यू ट्रस्ट अल्लाह सुबहानहु व तआला, व्हेन यू ट्राई टू लर्न अबाउट अल्लाह सुबहानहु व तआला। सो आपके दिल की जो खुराक है ना, अगर आपने दीन का काम करना है तो आपने इसको खाना खिलाना शुरू कर दें। एक अल्लाह का जिक्र, कुरान की तालीम, अच्छी सोहबत, कंस्ट्रक्टिव सोच, अल्लाह ताला ने जो मुझे दिया है आई एम रियली हैप्पी, आई एम थैंकफुल। एक अल्लाह के ऊपर फोकस हो जाए। नुकसानदेह चीजों से बचें, बुरी कंपनी, चाहे वो टेलीफोन के ऊपर हो, चाहे कंप्यूटर के ऊपर हो, चाहे दोस्तों की सूरत में हो, और अगर आप वो आप सोचते हैं कि बुरी कंपनी है वो मुझे बुरा नुकसान पहुंचाएंगी, अभी मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूं कि मैं उसको सह सकूं, तो डोंट गो। एंड इफ यू नो कि मैं वहां जाके अल्लाह का जिक्र करती रहूंगी, अच्छी बात बताऊंगी, एंड आई एम जस्ट गोना एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालूंगी, बट आई एम गोइंग देयर फॉर डूइंग समथिंग गुड, देन गो। और जो दिल के अंदर गंद बला पैदा होता है रोज उसकी सफाई करें, जैसे आप अपने घर की सफाई करते हैं। तो इंशाल्लाह बेतनिल्ला अल्लाह सुबहान व तआला हम सबको कल्बे सलीम अता करेगा, बहुत ही प्यारा दिल, बहुत ही मीठा सॉफ्ट दिल। जैसा दिल का सोचे ना तो आपको कैसे सॉफ्टनेस फील होती है, वैसा ही सॉफ्ट दिल जो इंसान का होता है, किसी मशीन का नहीं, किसी रोबोट की बात नहीं करें, इंसान के दिल की बात करें, जो दूसरों के दुख को महसूस करता है, उनकी तकलीफ को महसूस करता है और उनकी भलाई का सोचता है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू ऑल। यकीन करें मुझे वाकई दिल से खुशी है कि आपने ये सोचा कि आप तरबियती सेशंस करें, जिसमें एक बात भी अगर आपके दिल में ठहर गई तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सुब्हान व तआला का बहुत रहम, बहुत करम होगा। अल्लाह ताला हम सबको कल्बे सलीम अता करे। अल्लाह और ये दुआ जरूर पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बी मिनन निफाक व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल कذب व عيني मिनल खियाना فإنك تعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور। अल्लाह सुबहान तआला हमारे दिल की सफाई करता रहे और हमारे दिल को अपनी याद से सजा दे, अपने ऊपर तवक्कुल से सजा दे और अपनी मोहब्बत अता फरमाए और सब लोगों के दिल में हमारी मोहब्बत और हमारी इज्जत डाले, दुनिया में भी और आखिरत में भी हमको कामयाब करे। आमीन। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बारकल्लाहु फीकुम। Is there anything that you want to say or any question? 6 minutes रह गए हैं। I'm so sorry कि मैंने आपको इतना ज़्यादा बोला है, पर जी anyone कोई question है? Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। मैंने आज के question की, कभी-कभी ऐसा होता है कि आप कुछ नेक अमल कर रहे होते हैं तो उसी वक्त इंटेंशन तो यही होती है कि अल्लाह ताला के लिए करना है ये काम, लेकिन उसी वक्त ये ख्याल भी आ जाता है कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ लम्हों के लिए कि मतलब कोई आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा या फिर कोई अच्छा समझेगा आपको, लेकिन उससे अगले ही लम्हे आप ये कर लेते हैं नहीं मुझे ये जो ख्याल आ रहा है आपको उसका मतलब अवेयर हो जाते हैं आप और कॉन्शियस हो जाते हैं, ये ख्याल तो अब मेरे जहन में ये क्यों आ रहा है इस तरह से, और एक परेशानी पैदा कर देता है और फिर आप कहते हैं कि नहीं आएगी तो काम मुझे अल्लाह के लिए करना था, तो मतलब रयाकारी क्या इसमें फिर भी रयाकारी आ गई है, इसको इस सिचुएशन को डील करना चाहिए या इस बेचैनी को मतलब गुड क्वेश्चन माशाल्लाह। यू नो व्हाट, दैट इज अ साइन ऑफ ईमान।
कि अगर आपने उस सोच को सोचने की फौरन बात सोचा है, नहीं ये गलत सोच है, दैट इज अ साइन ऑफ ईमान, अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये सोच भी आई। तो आपको पता है कि अल्लाह ताला पलट के आने वालों को बहुत पसंद करता है। आप पलटे अल्लाह की तरफ, अल्लाह ये क्या हुआ, मैंने तो आपके लिए नियत की थी, आई एम रियली सॉरी, अल्लाह ताला मेरी नियत को अपने लिए रखिए। अल्लाह ताला को ये काम मुश्किल नहीं लगता कि आपकी नियत को अपने लिए खालिस कर ले। सो यू कीप ऑन डूइंग दैट, कोई बेचैनी की जरूरत नहीं है एक इंसान होने की। अल्लाह ताला से माफी मांग ली और अपने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला शैतान को ना उचकने दीजिएगा, मेरा काम, ये काम मैंने सिर्फ आपके लिए किया, आपके लिए किया, आपके। यू जस्ट कीप रिपीटिंग टू योरसेल्फ, ये जो मैंने आपको बताया ना, हर काम करने से पहले कहें अपने आप को, से इट विद योर टंग, अल्लाह आपके लिए कर रही हूँ। देन इट इज गोइंग टू बी स्लोली एंड ग्रेजुअली, दिस इज योर हार्ट इज लाइक अ मसल, इसको जैसे आप ट्रेन करते हैं अपने हार्ट को भी ट्रेन करना है, इंशाल्लाह बेतनिल्लाह इससे फायदा होगा जी। और हम अपने दिल को कैसे जारी रखें जिक्र के लिए, जैसे हम दुनिया के कितने भी काम करें लेकिन दिल में अल्लाह का जिक्र ही हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या उसके लिए हमें किसी मुर्शिद या किसी टीचर की जरूरत होती है? देखिए ये जो जिक्र होता है ना, डिफरेंट तरीके होते हैं ना, अभी ये 3 मिनट में खत्म हो जाएगी। जी कोई बात नहीं, आप बताएं जितना बता सकते। तो इसके लिए यू नो जिक्र के डिफरेंट तरीके होते हैं, अल्लाह ताला ने जो बताए हुए हैं कि नमाज जिक्र है, कुरान जिक्र है, तस्बीह जिक्र है, ठीक है। तो दिल जुबान के साथ जुड़ा हुआ है, आपने अपनी जुबान को, जैसे हदीस से पता चलता है ना कि जो जुबान से अल्लाह का जिक्र करता रहता है अल्लाह ताला उसके दिल को निफाक से पाक कर देता है। हाउ अमेजिंग इज दैट, अगर आपका जुबान जिक्र कर रही है ना तो फिर आपका दिल जो है वो निफाक से पाक हो जाता है और वो वही कर रहा होता है, वही सोच उसके अंदर होती है, तो एकदम आपका दिल अंदर से आप स्टेज जिसमें आपको पता है कि आपका दिल अल्लाह के जिक्र में मसरूफ है। जब आप कोई भी सोच कर रहे होते हैं ना, कोई भी काम कर रहे होते, तो आपका दिल ये बोल रहा होता है, इवन दो कि आपकी जुबान कुछ नहीं कहती लेकिन आपका दिल बोल रहा होता है अल्लाह के लिए मैं ही कर रहा हूँ। तो ये सब अल्लाह के जिक्र की चीजें होती हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि आपका दिल कोई बोल रहा हो या कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह नियत जो है वो अंदर का ख्याल होता है, दिल की बातें जो होती है ना अंदर का ख्याल होता है। तो इंशाल्लाह कोई मुर्शिद की जरूरत नहीं है सिवाय इसके कि आप उन मजलिसों में जाते रहें जहां पर अल्लाह के जिक्र के डिफरेंट तरीके आपको पता चलते रहते हैं जी। और जी जज़ाकअल्लाह खैरन, बारकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम आप काइंडली वो दुआ दोबारा बता देंगे जो आपने भी बताई थी? हाँ जी, आप किसी ग्रुप में है तो मैं फिर शेयर कर देती हूँ कि इधर लिखा हुआ मैंने, अल्लाहुम्मा तहिर कल्बी मिनन निफाक। अगर आप इतनी सी भी दुआ उधर ऊपर लिखेंगे ना गूगल में सर्च करेंगे तो नीचे आ जाएगी, अल्लाहुम्मा तहिर कल्बी मिनन निफाक व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल कذب وعيني من الخيانه فانك تعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور। इसको कहते हैं अखलाक रजीला से बचने वाली दुआ, बुरे अखलाक से बचने की दुआ। इसमें सारे वो बुरे अखलाक हैं और आप अल्लाह ताला की पनाह उनसे मांग रहे हैं। इंशाल्लाह ग्रुप्स में तो शेयर कर दूंगी मैं, अगर आप किसी ग्रुप में हुई तो जी। ना फिर खत्म करें इंशाल्लाह, अगर आप अच्छा जज़ाकुमुल्लाह खैर, अगर कभी आपने दोबारा भी मुझे बुलाया तो आई वुड बी रियली हैप्पी। यस मैम इंशाल्लाह, व्हाई नॉट, हमें बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह ताला आपकी सोच में बरकत दे, अल्लाह ताला आपकी जिंदगियों में बरकत दे, आपकी नेकियों में बरकत दे। आमीन आमीन आमीन। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।